तो गाइस आ चुके वोडक ने वीडियो के साथ। तो अगर आपके पास बेटल कॉइन होता है, अगर आप उनको रिडीम करने के लिए बोनस चेंज के अंदर रिडीम शॉप के अंदर जाओगे, तो वहां पर जो आपके पास कुछ इस तरीके का नोटिस आएगा जहां पर लिखा आएगा कि दी इवेंट इज ओवर। तो वो क्यों आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी कॉमेंट किया कि भाई हम लोगों ने तो बेटल कॉइन रिडीम कर लिया, लेकिन हमारे जो बेटल कॉइन है वो कट गया और हमारे पास यूसी अभी तक नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? तो आज इस वाले वीडियो में आप लोग को वही बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आप चलते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सीधा बोनस चेंज के अंदर जाके दिखाई तो कि वहाँ पर जो बोनस चैलेंज का रिडीम शॉप है वो ओपन हो रहा है या फिर नहीं। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ सीधा वहाँ पर और बाद में आप लोग को बताऊँगा कि वो इवेंट इस ऊपर क्यों लिखा आ रहा है। तो चलिए चलते बोनस चेंज के अंदर। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो पेज लोडिंग होने में कुछ टाइम लग रहा है और वैसे भी मेरा नेट बहुत ही स्लो है, तो कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या आता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जो कुछ ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पर मैं जो रिडीम नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा कि द इवेंट इज ओवर। तो गाइस ऐसा क्यों लिखा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप जो उनको रिडीम तो नहीं कर सकते, वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन गाइस ये ग्लिच या फिर जो भी कहो रिडीम शॉप के अंदर जो ग्लिच वर्क कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम जो है ऐसे करते ही रहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सीजन 14 एंड होने में लास्ट वीक बाकी है, और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सीजन 13 जब एंड हुआ था उससे एक वीक पहले हमारा जो बोनस चेंज है उसको जो है पूरी तरीके से लॉक कर दिया था, जो कि पबजी वालों ने उसको खुद किया। और जब भी नया सीजन आता है, वो नया सीजन आने से कुछ दिन पहले जो कि हमारा जो बोनस चेंज है रिडीम शॉप को भी लॉक कर दिया जाता है, या फिर बोनस चेंज को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है। तो आप उस बैटल कॉइन को तो रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन जब नया सीजन आ जाएगा, मुझे लगता है कि जब नया सीजन आएगा तब भी उस ग्लिच को फिक्स किया जाएगा। तो इतने दिनों के लिए आपको वेट करना होगा। तो आप बात करते हैं जिन्होंने भी रिडीम कर लिया, उनका जो बैटल कॉइन उनको कट दिया गया है और उनके पास अभी तक यूसी नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए? तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास से बैटल कॉइन को काट लिया गया है तो गाइस बहुत ही जल्दी जो है आपके पास वो यूसी आ जाएगा। आप टाइम टू टाइम आपका जो इनके मेल बॉक्स है उसको चेक कर लेना, वहाँ पर जो बैटल मतलब यूसी आ जाएगा। अगर नहीं आता है फिर भी आपको टेंशन होता है, तो गाइस आप लोग जो एक काम कर सकते हो, पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका जो यूसी कट गया उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो आपके पास यूसी नहीं आया उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो इनके मेल बॉक्स का, और आप सीधा जाके पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड सर्वर का जो ऑफिशियल मेंबर है वो लोग आपको रिप्लाई दे देंगे, तो आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो तो आप कुछ दिन तक वेट कर लो, बहुत ही जल्दी आपके इनकी मेल बॉक्स से वहाँ पर यूसी आ जाएगा। क्योंकि पबजी ऐसा फ्रॉड नहीं करता कि अगर आपके पास से बैटल कॉइन को काट लेकर आपको यूसी नहीं देगा, ऐसा नहीं करता है। तो आप कुछ टाइम तक वेट कर लो, आपके पास बहुत ही जल्दी आ जाएगा यूसी। नहीं तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करके आप बात कर सकते हो। और अगर आप बैटल कॉइन को रिडीम करने के लिए रिडीम शॉप पे जाते हो, वहाँ पर लिखा रहता है कि इवेंट इज ओवर, तो आप जो इस सीजन तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि इसी सीजन और इस मतलब ग्लिच को ठीक किया जाएगा। तो आप जो नेक्स्ट सीजन ट्राई कर लेना, जो भी आपके पास बैटल कॉइन होगा वो आपके पास ही रह जाएगा नेक्स्ट सीजन आने तक। तो वो बैटल कॉइन जो आपके पास से नहीं कटेगा तो वो बैटल कॉइन आपके पास ही रह जाएगा। तो होप करते हो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बोनस चेंज के अंदर वो ग्लिच क्यों वर्क कर रहा है। तो होप करते हो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।